उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को घर तक छोड़ने के लिए 1000 बसों की पेशकश पर कांग्रेस और बीजेपी में गर्मा गर्म सियासत तो चली रही है, लेकिन इस सियासी जंग में एक नया मोड़ तब आ गया जब कांग्रेस के ही विधायक अदिति सिंह ने अपने ही पार्टी के रुख की कड़ी आलोचना करते हुए प्रियंका गांधी और पार्टी को घेरा। अदिति ने कहा कि आपदा के वक्त ऐसी निम्न स्तर की सियासत की क्या जरूरत है। दरअसल अदिति का इशारा 1000 बसों की सूची में कई थ्री व्हीलर, एम्बुलेंस, निजी कार और बाइक जैसे वाहनों के नंबर भी थे। कांग्रेस विधायक ने इसे जनता के साथ एक क्रूर मजाक बताया। इधर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कांग्रेस का सपोर्ट करते हुए बीजेपी पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश वर्मा ने कोरोना संक्रमण और इसकी जिम्मेदारी लेने की बात कही। इधर बसपा सुप्रीमो ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों पर मिलीभगत और ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखें पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। गौरतलब है कि कांग्रेस की यूपी प्रभारी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रवासी मजदूरों को घर तक पहुंचाने के लिए 1000 बसों की व्यवस्था और उनका खर्च उठाने का अनुरोध करते हुए सीएम योगी को एक चिट्ठी लिखी थी। प्रियंका के अनुरोध को मानते हुए योगी के निजी सचिव ने प्रियंका को सभी वाहनों की लिस्ट और फिटनेस सर्टिफिकेट सौंपने को कहा। कांग्रेस की ओर से लिस्ट तो भेजी गई, लेकिन बीजेपी का दावा है कि उनमें बसों के अलावा कई थ्री व्हीलर, एम्बुलेंस, निजी कार और बाइक के नंबर भी थे। साथ ही 250 से अधिक बसों को कबाड़ बताया है। इसके बावजूद कांग्रेस की ओर से बीती शाम 5 बजे 700 से अधिक बसें आगरा बॉर्डर और 100 बसें नोएडा बॉर्डर पर खड़ी कर दी गई, जिसे वहां के प्रशासन और आरटीओ ने आगे आने नहीं दिया। इसे लेकर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को पत्र भी लिखा है। अब बसों की इस सूची में रायबरेली सदर से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने अपनी ही पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि आपदा के वक्त ऐसी निम्न सियासत की क्या जरूरत, 1000 बसों की सूची भेजी, उनमें भी आधी से ज्यादा बसों का फर्जीवाड़ा, 297 बसें, 98 ऑटो रिक्शा व एम्बुलेंस जैसी गाड़ियां, 68 वाहन बिना कागजात के, ये कैसा क्रूर मजाक है। अगर बसें थी तो राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र में क्यों नहीं लगाई। अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट करते हुए बागी अंदाज में कांग्रेस विधायक ने लिखा कि कोटा में जब यूपी के हजारों बच्चे फंसे थे तब कहां थी ये तथाकथित बसें। तब कांग्रेस सरकार इन बच्चों को घरों तक तो छोड़िए बॉर्डर तक ना छोड़ पाई। तब योगी आदित्यनाथ ने रातों रात बसें लगाकर इन बच्चों को घर पहुंचाया। खुद राजस्थान के सीएम ने भी इसकी तारीफ की थी। अदिति के इस बयान पर कांग्रेस आलाकमान ने नाराजगी व्यक्त की, साथ ही उन्हें अनुशासनहीनता का नोटिस भी भेजा है। फिलहाल नोटिस पर कांग्रेस विधायक की कोई प्रतिक्रिया अभी देखने को नहीं मिली है। वहीं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस का समर्थन किया। उन्होंने यूपी सरकार पर आरोप जड़ते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट के बहाने प्रवासी मजदूरों को सड़कों पर उत्पीड़ित कर रही है। भाजपा सरकार खुद अपने फिटनेस का सर्टिफिकेट दे कि इस बदहाली में क्या वो देश प्रदेश चलाने लायक है। अब कहां है पूरी दुनिया में भारत की उज्जवल होती छवि का ढिंडोरा पिटने वाले। इधर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी प्रियंका के बसों भेजने और इस पर राजनीति को लोकतंत्र का अपमान करार देते हुए कहा कि यह अवसर प्रवासी मजदूरों के आंसू पोंछने, पैरों के छाले साफ करने और उन्हें घर तक पहुंचाने का है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा के साथ काम कर रही है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का आरोप है कि कांग्रेस सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस बिना जांच किए लोगों को ऐसे भेजेगी तो कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मजदूरों के वापसी के सवाल पर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि सरकार के पास पर्याप्त साधन और संसाधन है, हमने पर्याप्त संख्या में ट्रेन और बसें लगा रखी है, हम मजदूरों को बाकायदा मेडिकल जांच करके भोजन पैकेट के साथ ला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उस वक्त कहां थी जब हम कोटा से बच्चों को ला रहे थे, तब उन्होंने बस क्यों नहीं दी। इस राजनीति में बसपा सुप्रीमो मायावती कहां पीछे रहने वाली थी। उन्होंने प्रवासी श्रमिकों के नाम पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर घिनौनी राजनीति करने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि दोनों पार्टियों की आपसी मिली भगत से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करके इनकी त्रासदी पर से ध्यान बांट रही है। इसी बीच नोएडा में कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज मलिक समेत 20 से अधिक लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। उन पर लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने का आरोप है। कांग्रेसियों ने नोएडा में 100 बसों को इकट्ठा किया था जिसे पुलिस ने रोक दिया था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हम सभी बसों की जांच कर रहे हैं, दो बसों का फिटनेस सर्टिफिकेट समाप्त हो चुका है, इन दोनों बसों को सीज किया गया है, बाकी बसों की जांच की जा रही है। माना जा रहा है कि सभी बसों की जांच के बाद ही अधिकारियों की ओर से हरी झंडी मिल सकती है। कांग्रेस ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आगरा बॉर्डर पर यूपी पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने हमें रोक लिया और पुलिस ने यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू के साथ दुर्व्यवहार किया, हमें नोएडा गाजियाबाद की ओर जाने पर रोका गया है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।